It takes a lifetime for someone to discover Grace, but it only takes an instant to fall in love with her. Grace, ek sundar desh. Shandar vastukala, prakrutik sundarta ka mukt pravah aur keval khushi, shanti. Humne prachin Athens ke saath Grace mein bhatakna shuru kiya. 3400 se adhik varshon ke itihas ke saath Athens दुनिया का सबसे पुराना शहर है। पार्थेनॉन, गोल्डन रूल, गोल्डन रेशो का प्रतीक, सिंबल ऑफ बर्ड डेमोक्रेसी, माना जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र 5वीं और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच एथेंस शास्त्रीय कला, शिक्षण, दर्शन आदि का घर था। एक्रोपोलिस हिल पर स्थित पार्थेनॉन डोरिक मोमेंट और आयोनिक मोमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अद्भुत अथीना टेंपल ग्रीस के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक अनेक आक्रमणों के बाद भी खड़ा है। एथेंस में 1896 में आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल एक्रोपोलिस में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों पर एक संग्रहालय खड़ा है। स्मॉल रेस्टोरेंट, नाइट लाइफ और शॉपिंग के दीवाने सैलानियों को प्लाका स्ट्रीट आकर्षित करता है। उसके बाद हम फ्लाइट से मिकोनोस पहुंचे। मिकोनोस एक समर पार्टी टाउन है। यहाँ आप समुद्र तट पर शांति से बैठ सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। पहाड़ियों के किनारे दिखने वाली पवन चक्किया एक सुंदर दृश्य निर्माण करती है। मिकोनोस आर्किटेक्चर मैच इन हार्मोनी विद नेचुरल ब्यूटी ऑफ एजियन सी, फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ सैटलरिक आर्किटेक्चर। ट्रेडिशनल व्हाइट कलर हाउसेस, लकड़ी के रंग बिरंगे दरवाजे और खिड़कियां, चर्चेस मिकोनोस को पिक्चर परफेक्ट टाउन बनाता है। लिटल वेनिस में कई बाजार है जो खरीदारी के लिए सुंदर चीजों से भरे है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम पैराडाइज बीच रिसोर्ट में रुके थे। इट्स अ परफेक्ट नाइट बीच पार्टी रिसोर्ट। यहाँ होटल की दीवारों पर लिखी नमस्ते पढ़कर निश्चित रूप से अपनेपन की भावना को जागृत करता है। यहाँ से दिखने वाला सूर्यास्त बस कमाल। इसके बाद हम नाव से सेंटोरिनी पहुंचे। द वॉइस ऑफ द सी स्पीक्स टू सोल। सेंटोरिनी एक रोमांटिक डेस्टिनेशन, हर किसी के बकेट लिस्ट में एक अनिवार्य गंतव्य। हम कंट्रीसाइड एक्सपीरियंस, लोकल कल्चर को जानने के लिए बाहरी हिस्से में स्थित कामरी बीच, ब्लैक सैंड बीच पर एक होम स्टे में रुके थे। ब्लू डोम और व्हाइट बिल्डिंग परफेक्टली ब्लेंड विद ब्लू एजेंसी। यही वजह है कि कई फिल्मों के गाने यहाँ शूट किए गए हैं। पहाड़ी पर थेरा और ओया जैसे पिक्चर क्यू गांव है। यहाँ के होटलों में रुकना एक फेरी टेल जैसे अनुभव है। घोड़े की नाल के आकार जैसे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ये द्वीप ग्रीस के द्वीप समूहों में सबसे सुंदर द्वीप माना जाता है। हमने लाइव वोल्केनो और रेड सैंड बीच देखने के लिए वन डे क्रूज टूर किया। समुद्री भोजन और ग्रीक सलाड का लुत्फ उठाया। एजियन समंदर के बीच में ही छलांग लगाकर रेड बीच तक स्विमिंग करके जाने का एक्सपीरियंस मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती। समुद्र में गर्म पानी के आंतरिक प्रवाह को महसूस किया जा सकता है। जागृत ज्वालामुखी देखना एक अद्भुत अनुभव है। सेंटोरिनी से फ्लाइट लेकर एथेंस आए। फिर हमने डेल्फी और मेटियोरा की वन डे रोड टूर की। मजे की बात यह थी कि ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती थी और हमें ग्रीक। गूगल ट्रांसलेटर काम आया। मुझे तो समझ में आया, मनुष्य को एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा से भी इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम। डेल्फी को पूरी दुनिया का भूवैज्ञानिक केंद्र माना जाता है। दुनिया का पहला मैराथन प्राचीन काल में आयोजित किया गया था। इस जगह के एक संग्रहालय में आप उस समय के एथलीटों, धावकों की बड़ी मूर्तियों को देख सकते हैं। उन्हें देखकर आप मजबूत काया और रनर के कौशल्य का अंदाज लगा सकते हैं। लेट लव लीड योर सोल। इस यात्रा में हमारा आखिरी गंतव्य मेटियोरा मॉनेस्ट्री था। मेटियोरा means suspended in air। यहाँ पहुँचने के लिए कई चरण हैं और एक बार जब आप ऊपर जाते हैं तो शांति, भव्यता
आपको अंतर्मुख कर देती है। इतनी ऊंचाई पर ग्रीक मॉन्क ने कैसे कंस्ट्रक्शन किया होगा ये सोचकर आश्चर्य होता है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस 8 दिवसीय ग्रीस के प्रवास ने हमें समृद्ध किया।